मिड डे मील को लेकर घरोंडा के स्टोंडी गांव में सरकारी पाठशाला में विवाद छिड़ गया। स्कूल हेड और मिड डे मील इंचार्ज के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दोनों अध्यापकों की तरफ से मारपीट की शिकायत पुलिस को दी गई। मामले की छानबीन के लिए पुलिस ने स्कूल में पहुंचकर दोनों अध्यापकों व पाठशाला के अन्य टीचरों से पूछताछ की है। स्टोंडी गांव की प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील के मुद्दे पर बीते शनिवार दो अध्यापक आपस में भिड़ गए थे। स्कूल में हुई लड़ाई झगड़े की बात सामने आने के बाद कुछ ग्रामीण सोमवार को विद्यालय में पहुंचे और भोजन की व्यवस्था के बारे में अध्यापकों से बातचीत की। पाठशाला के इंचार्ज बहादुर सिंह का आरोप है कि दो माह पहले रविंद्र कुमार को मिड डे मील का जिम्मा दिया गया था, तभी से भोजन की क्वालिटी खराब हो रही है। बच्चों के लिए मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने रविंद्र कुमार से सवाल जवाब किए तो उसके साथ मारपीट कर दी। हालांकि रविंद्र कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। रविंद्र कुमार ने कहा कि बीते दो वर्ष से मिड डे मील का जिम्मा खुद बहादुर सिंह के पास था, अब विभाग ने उन्हें इंचार्ज बनाया है। उन्होंने मिड डे मील के राशन में हो रही चोरी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। रविंद्र ने आरोप लगाया कि स्कूल हेड मिड डे मील का इंचार्ज नहीं हो सकता, इसके बावजूद बहादुर सिंह यह चार्ज अपने पास रखना चाहता है, इसलिए उसने साजिश के तहत उसके साथ मारपीट की है। दोनों अध्यापकों ने अपनी अपनी शिकायतें पुलिस को दी है। स्कूल में जांच अधिकारी ने अध्यापकों के बयान दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्या है, मैंने साइन कर रहा था तो मेरी नजर उस पर पड़ी कि जो मौके पे मेन्यू बनाया जा रहा है वो उसमें नहीं चढ़ा हुआ था और दूसरा मेन्यू उसमें चढ़ा हुआ था, तो मैंने बोला कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो बनाया जाता है उसी को इसमें एंटर करे। इसलिए तो उसने मेरे ऊपर हमला किया जब मैंने उसको टोका। अगर मैं नहीं टोकता चुपचाप रहता तो ये झगड़ा ही नहीं होता। मिल की जो चोरी होती थी, मैंने अलग कमरे में अपना स्टॉक बनाया, मैं एक दाने की भी चोरी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मेरे को तंग किया जा रहा है। और जो स्कूल इंचार्ज बहादुर सिंह है, लगभग पिछले दो तीन साल से उसने खुद अपने पास इंचार्ज रखा था, जबकि नियम मुझे जितना पता चला कि इंचार्ज रख नहीं सकता। जेबीडी बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.